जी आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के ढंडारी खुर्द के वार्ड नंबर 28 में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में हमारी टीम पहुंची है यहां सर्वे करने के लिए और यहां के जो हालात हैं इनको देख के हमारे तो रोंगटे खड़े हो चुके हैं कि किस हालात में यहां के लोग कितनी नरक भरी जिंदगी में रह रहे हैं। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं वहाँ के एक रेजिडेंट से और वो ही बताएंगे हमसे कि कैसे वो यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। हेलो सर, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। जी मेरा नाम लखवीर सिंह खालसा है, मैं वार्ड नंबर 28 से हूँ। यहाँ पर अंत से ज़्यादा जितना कह लो उतना गंदगी है, नरक का दूसरा नाम ढंडारी खुर्द है जी। बिल्कुल सर, हम देख ही रहे हैं यहाँ पे, हमारी कार यहाँ पे आ रही थी तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए देख के, इतने बुरे हालात हैं यहाँ के। तो जो अब तक के यहाँ पे MLA काउंसलर थे उनकी तरफ से यहाँ पे आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया? यहाँ पर जी हमारे 25 साल से अकाली दल और BJP का काउंसलर है, उन्होंने आज तक कोई कोशिश नहीं की है, पर यहाँ क्या किया जाए, हमारी किस्मत इतनी ख़राब है। यहाँ पर MLA भी अकाली दल का है और काउंसलर भी अकाली दल का है, तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आज की डेट में ये इनका एक ही टीचा पड़ा हुआ है जी, गंदगी पड़ी हुई है, कांग्रेस को वोट मत दो, कांग्रेस की सरकार है, कुछ नहीं कर रही है। तो इनको पूछो, ये दो साल से सरकार बनी है, हालात हमारे 10-20 साल से यही हो रहे हैं, इतना कचरा यहाँ हो चुका है हद से ज़्यादा। मैं खुद 3 दिन से बीमार पड़ा हूँ, भाई साहब का फ़ोन आया, मैं कहा मैं खुद बीमार पड़ा हूँ, कहते क्या करें, यहाँ पर आज सीज़न शुरू हो गया गर्मी का, गर्मी में इतना मच्छर बीमारियाँ, यहाँ पर हर एक डॉक्टर की जगह दुकान पे ग्लूकोज लगेंगे बच्चों को, क्यों इतनी गंदगी है, मच्छर मलेरिया सारी बीमारियाँ हमारे एरिया में है। और सबके जो लोग हैं, क्या कभी आप लोगों ने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए, कभी जाके उनके पास जाके आपने इस चीज़ की शिकायत नहीं की कि कितने बुरे हालातों में लोग यहाँ रह रहे हैं? मैडम यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हम जितनी आवाज़ उठाते हैं हमारी उतनी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। हम जब कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा मैं थोड़ी देर पहले ऐसी बात हुई, हमने चैनल पे बोला कि यहाँ के जो प्रशासन है वो बहुत हमारे साथ रूडली बिहेव करता है, हम फ़ोन करते हैं फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, वो वही जो अकाली दल के समय से लगे हुए हैं, JEE, XEN, SC जो भी हैं वही हैं, हमारी तो एक भी सुनवाई नहीं है। हम अपने घर के लिए कभी नहीं फ़ोन करते हैं, हम एरिया के लिए करते हैं, कोई भी हमें सुनता नहीं है यहाँ पर, कोई भी हमारा कोई, देखो हम मैडम बिट्टी जी के साथ चलते हैं पर वो हारे हुए हैं, को कहते हैं जी क्या करें, अब हम जोर लगा रहे हैं MP के लिए कि यहाँ से MP जीता जाए तो कुछ करवाया जाए। अब कोई काम होता है तो जे तो सड़क बननी है अकाली दल ने करवा दी, ठीक है जी, जे कोई नुकसान हो गया कांग्रेस की सरकार है, इनका तो रूल है, तो अब हम क्या करें। अब लोग बोलते हैं जी वोट नहीं डालेंगे, मैं तो लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा इनके उल्ट वोट डालो, इनको पता चले कि काम ना करने का नतीजा क्या होता है। जैसे स्मार्ट सिटी के नाम पे इतने बुरे हालात हैं इस एरिया के, कहते हैं जो अच्छे एरियाज हैं उनको फिर से डेवलप करने में वो लोग लगे रहते हैं, इस एरिया की तरफ कोई देखता नहीं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन पास आने वाले हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम शुरू हुआ है? मैडम जो स्मार्ट सिटी है वो तो लुधियाने में सिर्फ पेंट करके ना रोड पे दिखाया जा रहा है, जो असलियत है ग्राउंड जीरो की जो बोल रहे हैं रिपोर्ट, वो बिल्कुल नरक से बदतर है लुधियाने का हाल। तो देखिए यहाँ पर इंडस्ट्री है, हम देखो काम सबसे ज़्यादा कॉरपोरेशन की कमाई इस एरिए से है, पर सबसे ज़्यादा बुरा हाल इस एरिए का है, तो क्या किया जाए, हम किसके पास जाएं, हमको तो खुद नहीं समझ आ रही है, तो किसके पास जाके रोएं कि हमारे एरिए का काम हो। तो जो MLA हैं वो कह देते हैं सरकार नहीं है, जब सरकार थी तब क्या कर दिया, अब कहाँ जाएं? तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे यहाँ? देखो जी हम तो यही कहना चाहेंगे, हमारा यहाँ पर कोई भी बालीवास नहीं है, आप हमारे एक MP को जताइए, उनसे कुछ लेके आए कि अपने एरिया का कुछ ना कुछ विकास किया जाए, कोई जीतेगा। आप देखिए यहाँ पर इतनी गंदगी के होने के बावजूद हर बार अकाली दल यहाँ से जीत के जाती है, क्यों? वो कहते हैं जब गंदगी में रहना गीजे हुए हैं तो वोट डाल, फिर भी वोट डल रही है तो क्या ज़रूरत है काम करवाने की। यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं, यहाँ पर शरणजीत सिंह ढिल्लों जी आए, उसके साथ इतने बंदे, उनके घर के आगे कूड़ा लगा हुआ है, वो फिर भी ढिल्लों के साथ घूमते हैं, बताइए जी उनको बताना चाहिए कि हमारे हालात क्या हैं, तभी कुछ होगा। जब हम लीडरों की चमचागिरी करेंगे तो काम नहीं होगा, देश बर्बाद है, ढंडारी तो हो ही चुकी है। ढंडारी खुर्द के वार्ड नंबर 28 में खड़े हैं, यहाँ के हालात तो हमने आपको दिखाई दिए हैं कि लोग कैसे नरक भरी जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे, तो हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के लोगों के पास जो रोज ऐसी दिक्कतों से उनका सामना होता है, तो उनसे ही पूछते हैं कि कैसे वो इतने मजबूर हैं इस नरक भरी जिंदगी में जीने के लिए। हाँ जी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ देख लीजिए कैसे गली हो रही, पानी कितना भर रहा है इसमें, बच्चे भी परेशान, आने जाने वाले भी परेशान है,
बताओ कितने साल हो गए आपको इस परेशानी को देखते? साल हो गए, 12-13 साल हो गए। तो कैसी कैसी आपको परेशानियां आती देख लीजिए, अपने सामने देख लीजिए, कैसे बीमार हो रहे आधे से आधे बच्चे। बताओ गरीब आदमी पैसे बीमारी में लगागा? देखो गंदगी में बच्चे कैसे, हम लोग 10 साल से रह रहे हैं, सब बच्चे परेशान हैं, हम लोग परेशान हैं, सब बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पर। 10 साल उनकी सरकार रही, फिर भी ये रोड नहीं बना, कीचड़ में हम लोग रह रहे हैं, बच्चे को परेशानियाँ होती है, कोई नहीं सुनवाई वहाँ होती है जी। कॉरपोरेशन में हम लोग 2-3 दिन पर रोज जाते हैं जी हफ्ता में, फिर भी कोई नहीं सुनता है। हो जाएगा जी, करा देंगे। हमने आपको दिखाया कि यहाँ के लोग कितनी मजबूरी से अपनी जिंदगी का एक एक दिन काट रहे हैं। सीवरेज का गंदा पानी घरों में घुस जाता है, बच्चे उनके रोज बीमार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। इतना बुरा हाल है यहाँ का कि हम लोग ऐसी तस्वीरें देख के हमारे तो रोंगटे खड़े चुके हैं। आपने भी देखा कैसे लोग यहाँ पे इतनी मुश्किल भरी जिंदगी को जीने पे मजबूर है। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।